हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सीएनसी प्रोग्रामिंग। अभी हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, जिस सीरीज में हम लोग आईएसओ प्रोग्रामिंग या फानुक मित्सुबिशी डेल्टा हार्स टाइप का प्रोग्रामिंग किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग G71 साइकिल को आईडी प्रोग्रामिंग में किस तरह से यूज किया जाता है और कौन से माइनर चेंजेस है 71 साइकिल ओडी और आईडी में इसके बारे में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। तो लेट्स बिगिन विद आवर आईडी टर्निंग साइकिल। आईडी टर्निंग साइकिल का मतलब ऐसा होता है कि हमको आईडी मींस इंटरनल डायमीटर हमको कट करना होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना है, तभी हमको आईडी प्रोफाइल के बारे में या हमको ओडी या आईडी करनी है या कौन सी साइकिल हमें यूज करनी है इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी। पूरी इंफॉर्मेशन हमारे डायग्राम में ही रहती है, सिर्फ डायग्राम को हमको बहुत केयरफुली देखना है। मेरे सामने ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम का लेंथ है 100 mm, डायमीटर है 80 mm। ये डायग्राम के अंदर में मेरा शाफ्ट है, इस शाफ्ट को मेरे को ऐसा टाइप में मेरा एक शाफ्ट मिला है। इस शाफ्ट के अंदर अगर देखा जाए तो एक 20 mm डायमीटर का एक ड्रिल ऑलरेडी किया है। 20 mm डायमीटर का ड्रिल ऑलरेडी इस शाफ्ट के अंदर रेडी है। तो इस 20 mm डायमीटर के ड्रिल के अंदर मुझे इस टाइप का एक प्रोफाइल बनाना है जिसको बोरिंग बोला जाता है या आईडी टर्निंग बोला जाता है। ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो हमको ये पूरा मटेरियल जो है, ये पूरा मटेरियल हमें निकालना है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल हमको निकालना है। इस मटेरियल को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। अभी अगर देखा जाए तो दिस इज अ आईडी टर्निंग साइकिल, आईडी टर्निंग और बोरिंग। ओके, तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो हमारा प्री प्लान होता है, वो प्री प्लान के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको टूल ऑफसेट पेज के अंदर जाके हमको सबसे पहले टूल ऑफसेट लेना है। टूल ऑफसेट लेने के बाद ही हम लोग बेस्ट तरीके से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, आपका टूल ऑफसेट आईडी कंपोनेंट पे, ये मेरा वर्कपीस है, ये मेरा बोर का साइज है, ये देखिएगा, ये मेरा बोर है। तो आपका जो वर्कपीस का जो ऑफसेट है, वो वर्कपीस का ऑफसेट आपका जेड ऑफसेट इस पोजिशन पे आएगा, आपका जेड ऑफसेट इस पोजीशन पे आएगा जो कि आपका फेस रहेगा। और आपका आईडी जो है डायमीटर ऑफसेट आपका इंटरनली डायमीटर के ऊपर आएगा, मींस आपको आपका बोरिंग बार इंटरनली यहां पे लेके जाकर आपको चेक करना है कि ये बोरिंग बार यहां पे डायमीटर पे चेक करके इसका डायमीटर जितना भी है, समझ लो अभी 20 mm डायमीटर है तो यहां पे 20.0 मेजर ऐसा आपको वहां पे वैल्यू डालना है, तभी आपको आपका ऑफसेट प्रॉपर तरीके से आएगा। ऑफसेट का पेज आपको दिया है, ये ऑफसेट के पेज के अंदर एक्स का वैल्यू है, करेक्ट। इस एक्स के वैल्यू के अंदर आपको एक्स 20.0 आपका बोरिंग बार का इंसर्ट आईडी पर टच करके डाल के आपको मेजर वैल्यू मेजर बटन बताना है, तभी आपका आईडी ऑफसेट होगा। जेड के लिए फेस हमारा रेगुलर ऑफसेट रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें नोज रेडियस डालनी है जो कि कॉलम नंबर 3 में दी है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द आईडी एंड ओडी प्रोग्रामिंग, जो हमको आईडी और ओडी से अलग करती है, वो है हमारी टी पोजीशन। उसको फोर्थ नंबर का कॉलम बोला जाता है, चार नंबर का कॉलम जो आपके सामने दिख रहा है। इसके अंदर आपको ये आईडी प्रोग्रामिंग है तो आपको 6 नंबर लिखना है। What is the meaning of 6 number? अगर आपको ये डायग्राम आप लोगों ने देखी तो इस डायग्राम में थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। इस डायग्राम में आपको ISO टूल कटर इंसर्ट ओरिएंटेशन करके बोला है, इसको ISO इंसर्ट ओरिएंटेशन बोला जाता है। सभी मशीनों में, जितनी भी मशीनें ISO टाइप का प्रोग्रामिंग फॉलो करती है, उसमें ये इंसर्ट का पोजीशन होता है। अगर आपको ओडी करना है तो कौन सा पोजीशन है, आईडी करना है तो कौन सा पोजीशन है, इसके बारे में दिया जाता है। आईडी करने के लिए अगर आप लोग थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो 6 नंबर इज अ परफेक्ट फॉर आईडी प्रोग्रामिंग टूल पोजीशन और इंसर्ट पोजीशन। होप सो आपको प्री प्लान पूरा समझ में आया होगा। प्री प्लान समझा तो ही हम लोग अच्छे से प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। ये प्रोग्रामिंग का थ्योरी क्लास नहीं है, ये प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
तो हमारा ऑफसेट भी करेक्ट है, हमारा टूल पोजीशन हम लोगों ने दिया है, टूल ओरिएंटेशन हम लोगों ने दिया है। अभी लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्राम के अंदर हमें, जैसा कि आपको सबको पता है, मैं सिंपली स्टार्ट करता हूं प्रोग्राम G28U0.0W0.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट होम पोजीशन ऑफ द टूल और टरे T0101 और 0202 भी यूज कर सकते हैं आप लोग, 0202 एंड ब्लॉक इंसर्ट। T02 इज अ टूल ऑफ टूल पोजीशन नंबर 02, 02 इज अ ऑफसेट नंबर 02, जो कि हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में और पार्ट नंबर 2 में डिटेल में देखा है। उसके बाद G92 यस 2000 एंड ब्लॉक इंसर्ट, G96 यस 200 M03 एंड ब्लॉक इंसर्ट। G92 यस 2000 इज अ limit for the RPM and G96 yes 200 is a constant cutting speed on with the cutting speed 200 with the RPM clockwise direction, this is the code for this। अगर आपको इस कोड को बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए मैंने बहुत साइंटिफिक वीडियो बनाया है कि मैथमेटिकली किसको कैसा प्रूव किया जाता है, और उसका डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक के थ्रू जाइएगा तो आपको उसके बारे में समझ में आ जाएगा। अभी हमारा थर्ड पोजिशन क्या रहेगा, हमारा पार्किंग पोजिशन रहेगा, जी पार्किंग पोजिशन रहेगा। तो पार्किंग पोजिशन यूजली आई यूज द रेड पिन फॉर दैट, G00 X100.0 Z20.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट। कोई भी एक पार्किंग पोजीशन दे सकते हैं आप जो कि आपके लिए सेफेस्ट मानी जाएगी। उसके बाद हमें सेकंड पार्किंग पोजीशन देनी है G00 X, मेरा रहेगा X20.0 Z10mm 5mm whatever is that you give 5.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट। मेरा अभी जो इंसर्ट है, जो अभी जो मेरा बोरिंग बार है, इस पोजीशन पे है 5mm गैप बिटवीन दिस माय फेस ऑफ माय वर्कपीस एंड द इंसर्ट टिप, जो है 5mm गैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैप है। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अप्रोच लेना है। अप्रोच लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, G0 अप्रोच लेना है हमें। तो अप्रोच लेने के लिए हम लोग G01 यूज करेंगे, यूजुअली ये अच्छा कोड होता है G01 X20.0 Z0.0 F0.2 एंड ब्लॉक इंसर्ट। आपका अभी जो इंसर्ट है या आपका टूल है वो आपका एग्जैक्टली स्टार्ट पॉइंट ऑफ आपके प्रोग्राम के ऊपर आ चुका है। दैट्स इट, इतना ही ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये हमारा हेडर लाइन से, हेडर लाइन के बारे में आपको पता हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, टू लाइंस हम लोग, जैसा कि हमें करना है, ये टू लाइंस हम लोग ब्लैंक रखते हैं और हम लोग हमारे प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं। तो प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते समय हमको सिंपली क्या करना है, नॉर्मल प्रोग्राम लिखना है, ज्यादा ये नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, एकदम सिंपल प्रोग्राम लिखना है जो कि मेरा प्रोफाइल है। बट इस प्रोफाइल के अंदर हमारे ओडी और आईडी में फर्क क्या होता है मैं बताता हूं आपको। आपका जब ओडी प्रोफाइल आप लोग जब बनाते हो बाय यूजिंग G71 साइकिल, तब आपका पॉइंट नंबर P1A होता है और पॉइंट नंबर आपका P1A होता है और आपका P2A होता है। मींस आप लोग आपकी प्रोग्रामिंग की शुरुआत छोटे से छोटे डायमीटर से शुरुआत करते हो जो कि आपका फाइनल डायमीटर है। ओके, दिस इज फॉर ओडी। बट ओडी और आईडी में फर्क क्या है, जब हम लोग आईडी प्रोफाइल यूज करते हैं G71 साइकिल यूज करके, उस केस में हमारा P1 मींस स्टार्ट पॉइंट ऑफ द प्रोफाइल जो होता है हमारा मेजर डाया होता है। सो हमारा मेजर डाया अभी कितना है, हमारा मेजर डाया अभी है 60mm, हमारा मेजर डाया है 60। सो इस 60mm मेजर डाया से ही हमको हमारी प्रोफाइल की शुरुआत करनी है। अगर आप लोगों ने, आपको थोड़ा सा डाउट आएगा कि हम लोग गलती से, हम लोग अगर 20 से हमारा डायमीटर की शुरुआत की तो आपका प्रोग्राम प्रोफाइल आपका गलत हो जाएगा, मशीन जाके डैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको जब एकदम क्लियरली ध्यान रखना है, रूल है ये, एकदम फंडामेंटल रूल है। जब हम लोग ओडी प्रोफाइल करते हैं तो हमको माइनर डाया जो है वो हमारा फर्स्ट प्रोफाइल का पॉइंट आता है, और जब हम लोग आईडी प्रोफाइल यूज करते हैं उस केस में हमारा मेजर डाया जो होता है प्रोफाइल का वो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, वहां से हमारे प्रोफाइल की शुरुआत करनी है। ओके, तो अभी मैं हमारी प्रोफाइल की शुरुआत करता हूँ। प्रोफाइल की शुरुआत है मेजर डाया से P1, मैं यहाँ पे P1 भी लिखता हूँ या मैं लास्ट में P1 लिखता हूँ, बेटर वे। G
0.01, एक्स मेरा रहेगा 60.0, जेड मेरा रहेगा 0.0, दिस इज माई P1 पॉइंट। होप सो आपको समझ में आ रहा है, दिस इज माई P1 पॉइंट। ओके, अभी P2 पॉइंट क्या है, G01, एक्स कितना रहेगा मेरा 50.0, जेड कितना रहेगा मेरा -10.0, ये होगा मेरा P2। होप सो आपको समझ में आ रहा है P1 एंड P2 क्या है, थोड़ा सा समझिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान रखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दिस इज माय P1, दिस इज माय P2, पॉइंट नंबर 2। अभी हम लोग पॉइंट नंबर 3 के तरफ चलते हैं, P3। ओके, सो P3 के लिए जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको P3 जाना है। अभी ये देखो P3 पॉइंट क्या है, G01, x रहेगा मेरा P3 के लिए 50.0, z रहेगा मेरा -30.0, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, ए है मेरा P3, ए है मेरा P3, ध्यान रखना है, ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर P3। ओके, फाइन, अभी हमको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाना है, G0, ये देखिएगा, अभी P4 के लिए जाना है, मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरा डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, G03, एक्स रहेगा मेरा 40.0, जेड रहेगा मेरा -30.10 -40.0, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, ये हो गया मेरा P4, सिंपल पॉइंट है P4 पॉइंट है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, पॉइंट नंबर P4। ओके, अभी इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है हमारा, P5, डायरेक्ट पॉइंट है G01, ये जो है ना ये डायरेक्ट टेपर है। ओके, G01, एक्स रहेगा मेरा 20.0, जेड रहेगा मेरा -100.0, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, और आपका ये रहेगा पॉइंट नंबर P5, दिस इज योर पॉइंट नंबर P5। इन दिस वे हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है, इन दिस वे हमारा प्रोफाइल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने यहां से हमारी शुरुआत की थी, हम लोग यहां तक पहुंच चुके, प्रोफाइल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फूटर डालना है, फूटर डालेंगे हम लोग G00। आपको अगर फिनिशिंग साइकिल यूज करनी है तो आप फिनिशिंग साइकिल भी यूज कर सकते हो, यहां पे सिंपली फिनिशिंग साइकिल यूज करिएगा, G70, P-Q-F 0.1, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, फिनिशिंग साइकिल मैंने डाल दी। फिनिशिंग साइकिल डालने के बाद हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें फूटर डालना है, फूटर क्या होता है, G00, X100.0, Z50.0, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, पार्किंग पोजिशन G28, U0.0, W0.0, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, उसके बाद M05, M09 एंड M30 आपको ये डालना पड़ेगा, ध्यान रखना है। आप अभी एक ही टूल यूज कर रहे हो इसलिए आपको स्पिंडल ऑफ नहीं करना है, आपको टूल ऑफसेट ऑफ नहीं करना है, एक ही टूल के अगर ऑपरेशन कर रहे हो तो स्पिंडल और टूल ऑफसेट ऑफ करने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग अलग अलग टूल को यूज कर रहे हो तो इसके बाद आपको क्या डालना पड़ेगा, T0000, उसके बाद आपको G97, S0000, ये डालने के बाद क्या होगा, आपका प्रीवियस जो टूल ऑफसेट है, जो हमने वो टूल नंबर 2 को लिया था, वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट कटिंग स्पीड कैंसिल हो जाएगा और दूसरा टूल हमारा चेंज हो जाएगा। होप सो समझ में आया है। अभी हमारा क्या है मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट के तहत हम लोग चलते हैं, वो पॉइंट का नाम है हमारे जो G71 साइकिल, सिंपल साइकिल है। हमें इस साइकिल को यहां पे दो लाइन हम लोगों ने छोड़ रखी थी, उस दो लाइन को हम लोग देखते हैं, G71, U0.5, R1.0, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। ओके, U0.5, R, इसमें क्या है, G71 इज द लॉन्जिट्यूडनल टर्निंग साइकिल, U0.5 इज द डेप्थ ऑफ कट,
R1.0 इज अ रिट्रैक्शन, मींस इसका मतलब क्या है, जब मेरा टूल यहां से यहां पे अप्रोच करेगा वो 0.5 अंदर जाएगा, 0.5 डेप्थ ऑफ कट लेगा, मींस हमारा रेडियली 0.5 मटेरियल कट हो रहा है, डायमेट्रिकली 1 mm मटेरियल कट हो रहा है, टूल मेरा पूरी तरह से यहां तक आएगा कट करते करते मटेरियल, आने के बाद उस टूल को जब रिटर्न आना है, टूल मेरा उसी पाथ से रिटर्न नहीं आ सकता, उसको रिटर्न आने के लिए एक रिट्रैक्शन वैल्यू देनी पड़ती है, दैट इज 1 mm, सो ये 1 mm है, 1 mm ने उसको एक्स में उसने 1 mm नीचे आ गया और मेरा टूल यहां से पूरी तरह से बाहर गया। अभी यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है दोस्तों कि यहां पे हम लोग आर वैल्यू हमारे दिल से नहीं डाल सकते, इसमें बहुत बड़ा एक साइंस है, बहुत बड़ा एक ट्रिक है, उस ट्रिक को ध्यान में रखना है, ये पूरी तरह से आईडी ऑपरेशन है, ब्लाइंड ऑपरेशन है, हमको आंखों से कुछ भी नहीं दिखता है, देखना ही है तो आप लोग लाइव ग्राफ देख सकते हो फानुक में, बट आपको आंखों से कुछ भी नहीं दिखता है, जो भी चलता है आपके हिडन चलता है। तो इस केस में मेरा बोरिंग बार रिट्रैक्शन लेते समय आके मेरे वर्कपीस को या मेरे बोर को डैश ना कर दे, अगर मैंने यहाँ पे 10 या 15 कुछ भी डाल दिया तो मेरा टूल आके डैश कर सकता है, 2 mm 3 mm भी डाला तो भी डैश हो सकता है। तो एक बात मैं आपको बोलता हूँ, बोरिंग बार का ऑपरेशन करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, मेरा आईडी है 20 mm, तो 20 mm आईडी के लिए मैं मैक्स टू मैक्स में 16 mm का मैं बोरिंग बार यूज कर सकता हूँ, 16 mm बोरिंग बार आई कैन यूज, यू जस्ट चेक बोरिंग बार के ऊपर डायमीटर 516 लिखा हुआ होता है, वो बोरिंग बार 20 के लिए सूटेबल है। ओके, आप लोग उससे भी छोटा यूज कर सकते हो, पर जितना छोटा बोरिंग बार उतने चैटर मार्क्स ज्यादा देंगे, तो 16 इज बेस्ट सूटेबल, बट फॉर दैट यू हैव टू गिव द रिट्रैक्शन वैल्यू 1 mm ओनली, नॉट मोर देन दैट। ओके, ध्यान में रखना है, और बोरिंग बार कौन से ड्रिल के लिए कौन सा यूज करना है, इसका एक थंब रूल है, उसके अंदर बोरिंग बार के और ड्रिल के अंदर एटलीस्ट हमको जो गैप चाहिए वो 4 से 5 mm का हमें गैप चाहिए, तभी हम लोग प्रॉपरली रिट्रैक्शन ले सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन आएगा G71 P10 Q20। P10 और Q20 क्या है मैं आपको बताता हूं, P10 और Q20 जैसा कि हमने ओडी प्रोफाइल में देखा था, हमारा जब प्रोफाइल स्टार्ट होता है उस प्रोफाइल का स्टार्ट पॉइंट जो है दैट इज P10, तो यहां पे मैं डालता हूं N10, ये मेरा हो गया N10, समझ में आ रहा है आपको, this is my N10, means क्या है मेरा प्रोफाइल का स्टार्ट पॉइंट, this is P10, hope so। अभी उसके बाद प्रोफाइल का एंड पॉइंट क्या है, मेरा प्रोफाइल का एंड पॉइंट यहां पर है, तो यहां पे आई विल गिव N20, जो प्रोफाइल के स्टार्ट पॉइंट में ही आपको लाइन के स्टार्ट पॉइंट में डालना है N10 N20, दिस इज P10 Q20, आपको समझ में आ रहा है ऐसी आशा करता हूं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको यहां पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, उस चेंजेस का नाम है हमारा यू वैल्यू, फिनिशिंग अलाउंस U0.2 माइनस रहेगा, U माइनस 0.2 ये हमारा फिनिशिंग अलाउंस रहेगा। हम लोग ओडी जब करते थे हम लोग हमारा फिनिशिंग अलाउंस पॉजिटिव रखते थे, बट आईडी प्रोफाइल करते समय फिनिशिंग अलाउंस हमारा निगेटिव ही चाहिए। W means 0.2, आप लोग W कितना भी डाल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कितना भी डाल सकते हो, बट ज्यादा नहीं डालना है आपको, क्योंकि आपको फिनिशिंग साइकिल करते समय आपका ये W आपको प्रॉब्लम दे सकता है। और उसके बाद आपको डालना है फीड रेट F 0.2 एंड W इंसर्ट। इस तरह से हम लोगों ने हमारी साइकिल देखी, और एक बार साइकिल बताता हूं, G71 U.5 इज द डेप्थ ऑफ कट, R इज द रिट्रैक्शन, G71 P एंड Q स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोफाइल, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोफाइल, Q is the end point of the profile, U is the finishing allowance in X direction, it should be in negative format, a negative hi chahiye, a positive nahi chahiye, to hi hamara ID profile hoga, W is the finishing allowance in Z direction, F is the feed rate, is tarah se cycle ho gaya, abhi hum log hamara finishing ke cycle mein yahan pe P10 Q20 डाल देते हैं, तो फिनिशिंग का भी साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रह चुका है, दैट इज टूल Nose radius compensation, TNRC, tool nose radius compensation। हम लोग ID profile यूज कर रहे हैं और हमारा normal turning cycle है, जिसके अंदर ए operator के left hand side में हमारा
स्पिंडल है। तो इस केस में हम लोगों को कौन सा टूल नोज रेडियस कंपनसेशन यूज करना पड़ेगा? नॉर्मल थंब रूल है, हमको G41 यूज करना पड़ेगा। तो आफ्टर N10 आई विल राइट हियर G40 एज अ टूल नोज रेडियस कंपनसेशन वैल्यू G40 एंड यहां G41 इज द टूल नोज रेडियस कंपनसेशन फॉर आईडी प्रोफाइल फॉर नॉर्मल टर्निंग साइकिल एंड हियर आई विल राइट G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसल आफ्टर N20 इमीडिएटली लिखा है, आफ्टर N10 इमीडिएटली लिखा है। होप सो आपको प्रोग्राम प्रोफाइल समझ में आया है। कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, सभी के सभी डाउट्स के मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। इस तरह से हम लोगों ने हमारा G71 आईडी प्रोफाइल या बोरिंग प्रोफाइल कैसा यूज करते देखा है। ट्रिक देना मेरा काम है, इसके ऊपर ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना आपका काम है। देखिएगा, समझिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी ऐसी ही मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।